जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारियों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। मोदी ने कहा कि 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। जिन दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है वो दोनों मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले कुछ महीनों में हमारा लक्ष्य 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना है। नए कृषि कानून रद्द कराने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। उन्होंने पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया R.M. लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। महाराष्ट्र में परभणी जिले में मुरंबा गांव में 800 से ज्यादा मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। इनके सैंपल की जांच में संक्रमण का पता चला। दिल्ली में भी सोमवार को बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के मुताबिक 8 कौओं और बतखों के सैंपल जांच के लिए भेज गए हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए सभी राज्य एहतियात बरत रहे हैं। एयर इंडिया की एक फ्लाइट सोमवार सुबह सैन फ्रांसिस्को से बैंगलोर पहुंची। ये कई मायनों में खास थी क्योंकि विमान ने एयरपोर्ट पर लैंड करते ही इतिहास रच दिया। इस फ्लाइट की सभी पायलट महिलाएं रही। उन्होंने नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया के सबसे लंबे रूट से उड़ान भरी। एयर इंडिया के मुताबिक ये दुनिया की सबसे लंबी कमर्शियल उड़ान है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। हरियाणा पुलिस ने कर्नल में मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में खलल डालने के मामले में भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह समेत 900 लोगों पर FIR दर्ज की है। करनाल में खट्टर के कार्यक्रम के लिए बना मंच रविवार को भीड़ से तहस नहस कर दिया था, साथ ही हेलीपैड भी खोद दिया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 15 साल की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई चल रही है। तो उसी बीच किशोरी का भाई आरोपी के भाग जाने के कारण गहरे सदमे में पहुंच गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। भारत के बल्लेबाजों ने आखिरी दिन संघर्ष भरी बल्लेबाजी की और जमकर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का सामना किया। केंद्र सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेक की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे दिया है। ये ऑर्डर 1,10,00,000 डोज का है। ऑर्डर के मुताबिक वैक्सीन के हर डोज की कीमत ₹200 होगी। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के चलते एलॉन मस्क के ट्वीट करते हुए उनके फैंस को प्राइवेसी पर फोकस करने वाले ऐप सिग्नल का उपयोग करने की सलाह दी थी। इसके बाद और भी कई दिग्गजों ने लोगों को व्हाट्सएप छोड़ सिग्नल इस्तेमाल करने के लिए कहा। इसके चलते अब सिग्नल ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या में बड़ी उछाल देखने को मिली है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।